फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज का सिलसिला अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुका है। हॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय फिल्म सीरीज में से एक फास्ट एंड फ्यूरियस की लेगेसी अब इसकी नई फिल्म फास्ट 10 से समाप्त होने जा रही है। फिल्म सीरीज का ये अंतिम हिस्सा 19 मई को रिलीज होने जा रहा है। इस आखिरी भाग में दर्शकों को शुरू से अंत तक के अधिकतर किरदार एक साथ देखने को मिलेंगे। फिल्म से जुड़े सूत्रों की माने तो जाते जाते यह फिल्म अपने साथ कुछ ऐसी यादें दे जाएंगी जो फिल्म के प्रशंसकों के लिए जीवन भर यादगार रहेंगी। हॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेता की लिस्ट में जो सबसे बड़ा नाम है वह है जेसन मोमोआ। जेसन मोमोआ जल्द ही फास्ट एंड फ्यूरियस की फ्रेंचाइजी के आखिरी हिस्से फास्ट 10 में विलन के तौर पर देखने को मिलने वाले हैं। फिल्म में जेसन ड्रॉग लॉर्ड हॉर्नन रेयस के बेटे के किरदार में अपने पिता के मौत का बदला लेते नजर आएंगे। जेसन जिस किरदार में है उसका फिल्म में एक सिर्फ एक ही मकसद है कि वह किसी भी तरह डोम के परिवार को नष्ट करना चाहता है। फास्ट एंड फ्यूरियस को दुनिया भर में इतनी प्रसिद्धि मिलने की एक वजह फिल्म में दिखाई गई कारें हैं। हर बार जिस तरह से कार रेस को दिखाया जाता है उसको देखकर लोग इस सीरीज की तरफ और आकर्षित होते हैं। ऐसे में फिल्म सीरीज के इस आखिरी हिस्से में आपको कुछ ऐसी नई तरह की कारें देखने को मिलेंगी जिनको देखने के बाद दर्शकों को एक अलग ही एडवेंचर नजर आएगा। कार चेजिंग सीन तो इस फिल्म का सबसे पसंदीदा हिस्सा है। ऐसे में इस फिल्म में आपको उसका भी एक नया और अलग अनुभव देखने को मिलेगा। इस फिल्म के जरिए आप बहुत ही बेहतरीन कारों वाली दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं। फास्ट एंड फ्यूरियस का यह आखिरी हिस्सा हॉलीवुड के तमाम बड़े सितारों से परिपूर्ण होने वाला है। अब तक इस फिल्म सीरीज के 9 भाग आ चुके हैं और यह 10वां हिस्सा है। इन 9 हिस्सों के जितने भी किरदार थे उनमें से अधिकतर इस आखिरी हिस्से में एक साथ देखने को मिलेंगे। ये फिल्म भी टोरेटो परिवार के इर्द गिर्द ही घूमेगी। फिल्म में दिखाया जाएगा कि कैसे इस बार भी डोम अपने परिवार को बचाने के लिए अलग अलग तरह के संघर्षों का सामना करता है। टोरेटो के 12 वर्ष का संघर्ष इस आखिरी हिस्से के साथ अब समाप्त होने जा रहा है। वहीं हर बार की तरह इस बार भी विलेन अपनी कूटनीतियों से बाज नहीं आता। इस आखिरी हिस्से में परिवार को एक साथ देखना फास्ट एंड फ्यूरियस प्रेमियों को भावुक कर सकता है। 2001 से शुरू हुई फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज ने हर बार दुनिया भर के दर्शकों का दिल जीता है। अब इस सीरीज के इस आखिरी हिस्से का ट्रेलर देखकर ही समझ सकते हैं कि फिल्म में कितना रोचक एक्शन देखने को मिल सकता है।